सो सबसे पहले यू हैव टू क्लिक ऑन द सेटिंग आइकन, डिवाइस कंपैटिबिलिटी पे जाना है। उसके बाद थ्री डॉट्स आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, वहाँ पे हाई रिजोल्यूशन सेलेक्ट करके, ताकि आपको पता चल जाए आपके लेयर्स कितने आपको प्रोवाइड होंगे और 1080 पिक्सल पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने वीडियो को। उसके बाद नीचे जाके आप स्क्रॉल करोगे तो एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक करके एक्सपोर्ट एट 60 FPS एंड इम्पोर्ट फ्रेम रेट एट 240 FPS पे क्लिक करके बैक करना। उसके बाद फिर आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके आप 16:9 का फ्रेम रेट सेलेक्ट करके आप एक फाइल क्रिएट कर लोगे। उसके बाद सबसे पहले आपको मीडिया पे जाना होगा। मीडिया पे जाने के बाद आपको वीडियो इंपोर्ट करना होगा। वीडियो इंपोर्ट कोई भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ये वाले वीडियो इंपोर्ट करना है। उसके बाद मुझे इसे दोनों तरफ से क्रॉप करना होगा। क्रॉप करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सीजर का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले राइट साइड का ट्रिम करना है, तो ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड वो क्लिक करोगे तो राइट हैंड से जितने भी पार्ट होंगे वहाँ से वो क्रॉप्ड हो जाएगा। उसके बाद मुझे लेफ्ट साइड का भी वैसे ही मुझे क्रॉप करना है, तो फॉर दैट फिर मुझे जिधर से लेफ्ट पार्ट से क्रॉप करना है वहाँ पे ये लाइन लाके उसके बाद ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड पे क्लिक करना है। ये हमारा वीडियो का पार्ट है। उसके बाद पता था म्यूजिक ऐड करने के लिए, म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको म्यूजिक यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, उसको सेलेक्ट करके जो आपके फोन में म्यूजिक सेव्ड होगा उसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने पहले से म्यूजिक ले रखा है, सो आई विल पुट दिस ऑन दैट क्लिप जो कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, मुझे टेक्स्ट ऐड करना है पर बीट्स पे, जैसे कि आपने देखा होगा। फॉर दैट मुझे जहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है वहाँ पे मैं अपने कर्सर को लेके जाऊँगा, लेयर्स पे मुझे क्लिक करना होगा, टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद मुझे हाउ लिखना होगा, हाउ लिख के एंड देन ओके, एंड देन मुझे इसको फिर फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा इसका। आई विल चूज रोबोटो ब्लैक क्योंकि ये बोल्ड है, फिर ओके पे। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा बड़ा करना होगा इसे क्योंकि काफ़ी छोटा है ये, एंड देन आई विल चूज द कलर। उसके बाद मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर क्लिक करके आई विल क्लिक ओके। उसके बाद फिर स्क्रॉल नीचे करूँगा मैं, उसके बाद फिर यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दिखेगा, बैकग्राउंड कलर को इनेबल करके उसके बाद कलर आपको जो पसंद है वो सेलेक्ट कर लो। आई विल चूज दैट स्किन कलर एंड देन आई विल प्रेस ओके। मुझे इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं चाहिए, सो आई विल ट्रिम दिस टेक्स्ट। एग्जैक्टली वैसे ट्रिम करेंगे जैसे कि हम वीडियो को ट्रिम करते थे, सीजर पे क्लिक करके राइट साइड का जितना भी पार्ट है वो ट्रिम कर देंगे। उसके बाद फिर इसे हम जूम करेंगे, मुझे और छोटे टाइम के लिए टेक्स्ट चाहिए तो आई विल ड्रैग दिस टेक्स्ट ताकि ये छोटा हो जाए, ताकि ये पर बीट पे ये टेक्स्ट अपीयर हो। उसके बाद फिर जहाँ बीट होगा वहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को लेके आ जाऊँगा। फिर दूसरे बीट पे जाना हो, जैसे कि आप देख रहे हो नीचे कर्व्स जो बने हुए हैं, ऐसे ऐसे कर्व्स जो भी बने हुए हैं, ये उठे उठे जो कर्व्स हैं थोड़े से ऊंचे से, ये सारे बीट्स हैं। तो यहाँ यहाँ मुझे टेक्स्ट डालना है, तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट बीट है वहाँ पे हाउ टू आई विल सेलेक्ट द सेम वे, इस तरीके से करके टू सेलेक्ट करके एग्जैक्टली सेम फ्रंट, एग्जैक्टली सेम कलर एंड एग्जैक्टली सेम बैकग्राउंड कलर मुझे सेलेक्ट करके एग्जैक्टली सेम साइज वही करके मुझे इसे वैसे ही उसी पोजीशन पे फिट कर देना है। फिर मुझे इसे उसी तरीके से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करके ओके करके उसका फिर बैक जाऊंगा मैं, उसका फिर सीजर पे क्लिक करके उसका फिर राइट साइड का पार्ट मुझे क्रॉप कर देना है, उसका फिर मुझे जूम इन करके उसे छोटा कर देना है ताकि वो पर बीट आए। इसी तरीके से मैं हर बीट पे हर एक वर्ड जितना मैंने लिखा है हाउ टू क्रिएट, हाउ टू क्रिएट एनी वीडियोज, इस तरीके से मैं हर बीट पे ये सारे वर्ड्स मेरे को लिखना है। सो मैंने पहले से लिख रखा है, सो मुझे कुछ इस तरीके से हम लोग बना पाएंगे अगर आप पर बीट पे आप टेक्स्ट को प्लेस करोगे। तो अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो हर टेक्स्ट के बीच में एक ब्लिंक सा हो रहा है, ये ब्लिंक कैसे होगा? फॉर दैट आपको दो टेक्स्ट के बीच में आपको अपने कर्सर को लाना है, उसके बाद आपको लेयर्स पे क्लिक करना है, लेयर्स पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है एंड देन बैकग्राउंड एंड देन यू विल चूज अ ब्लैक कलर। उसके बाद फिर ब्लैक कलर को सेलेक्ट करने के बाद मुझे ट्रिम बटन पे जाना है, ट्रिम करके मुझे थोड़ा सा पार्ट चाहिए उसका, तो राइट साइड का मैं जितने भी पार्ट है उसको ट्रिम करूंगा, फिर उसको छोटा कर दूंगा ताकि वो बीच में एग्जैक्ट आ जाए। अब इसके बाद मुझे बैक करके
स्प्लिट स्क्रीन का एक ऑप्शन आता है, उसे फिर सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करके वो पूरे स्क्रीन पे वो कवर अप कर लेता है, जिससे कि मुझे वो ब्लिंक सा इफेक्ट आए इस तरीके से। सो इसी तरीके से मुझे हर टेक्स्ट के बीच में ऐसे ब्लैक बार्स डालने हैं मुझे। सो मैंने पहले से ये ब्लैक बैकग्राउंड डाल रखा है ताकि ये ब्लिंक इफेक्ट आए इस तरीके से, काफ़ी अच्छा लुक ये देता है। द नेक्स्ट पार्ट इज़ टू कलर योर वीडियो। सो इसके लिए मुझे वीडियो, जिस वीडियो को मुझे कलर करना है, कलर ग्रेडिंग करना है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यू विल स्क्रॉल डाउन, तो उसके बाद वो कलर फिल्टर्स दिखेंगे। इस वाले सॉफ्ट में आपको बहुत सारे कलर फिल्टर्स आपको पहले से ही मिले हुए हैं डिफ़ॉल्ट ही। सो आपको जैसा कलर आपको पसंद है, यू कैन चूज दैट कलर। द नेक्स्ट पार्ट, हमें ट्रांजिशन डालना है दो वीडियो के बीच में। फॉर दैट, अगर आपके पास दो वीडियो है, जो कि मेरे पास एक ही वीडियो, तो आई विल क्रॉप दिस वीडियो, उसका फिर ये जो बीच वाला बार है उस पर क्लिक करके, सो यू विल ऑटोमेटिकली जंप इन टू द ट्रांजिशन इफेक्ट। उसके बाद फिर आपको, मेरे पास बहुत सारे डिफॉल्ट ट्रांजिशन इफेक्ट सेट हैं इसमें, सो आप स्टोर से भी ले सकते हो इसको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो आई विल चूज द सुपर क्विक जूम, उसका फिर मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ इसको। उसके बाद फिर मुझे कितना लंबा चाहिए वो मैं स्क्रीन के नीचे आपको 0.5 जो दिख रहा है उससे स्क्रॉल करके मैं छोटा भी कर सकता हूँ उसको, सो दैट आई विल गेट अ सुपर क्विक जूम इफेक्ट। सो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सो आई विल रिमूव दिस, क्योंकि मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आप राइटिंग भी कर सकते हो उस पर, अगर आपको कुछ लिखने का इफेक्ट डालना हो तो आप लिख भी सकते हो। बट इस वीडियो में मैं ये पार्ट आपको नहीं बताने वाला हूँ, वो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि टेक्निकल चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको डीप में बताने वाला हूँ। सो नाउ आई वॉन्ट टू रिप्लेस द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विथ दिस वीडियो, सो आई विल इम्पोर्ट इन द सेम मैनर जैसे हमने इम्पोर्ट किया था उस वीडियो को, उसी तरीके से इम्पोर्ट करके मुझे जहां से स्टार्ट करना है उस वीडियो को, वहीं से मुझे स्टार्ट करके उसे बाकी का दोनों साइड का, लेफ्ट एंड राइट साइड का पार्ट क्रॉप कर लेना है। सो आई विल क्रॉप दैट पार्ट। सो दिस इज ऑल, ये आपको एडिट करना मैंने सिखाया है। इसमें जो कलर ग्रेडिंग है वो सारी चीज़ें मैं आपको अलग वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर अप नहीं हो पाएंगी। सो आई विल एक्सपोर्ट दिस वीडियो, एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आई हैव टू चूज द FHD 180 पिक्सल, उसके बाद आई विल चूज 24 FPS बेसिकली जो रेट होता है उस पर, उसका फिर आई विल चूज द हाई एंड देन आई विल क्लिक एक्सपोर्ट। ये वीडियो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। कलर ग्रेडिंग, क्रोमा की, एनिमेशन, ये सारे चीज़ें मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, क्योंकि इस पे अलग अलग करके वीडियो बनाना पड़ेगा। सो जितना 8 मिनट में हो सकता था मैंने काफ़ी कॉम्पैक्ट वे में एक नॉर्मल सा वीडियो एडिट करना आप लोगों को सिखाया है। आई होप मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। मैंने ये वीडियो 2 मिनट का सोचा था लेकिन 8 मिनट का बन गया, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें कवर अप की हैं। सो इसलिए 8 मिनट का बना। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि एक चीज़ 2 मिनट की वीडियो में आपको सिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें होंगी, कोई भी सेम नहीं होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ये आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, इसका क्रैक वर्जन जो कि मेरे पास है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता, क्योंकि ये अगेंस्ट पॉलिसी है। सो फॉर दैट, जिसको भी ये सॉफ्टवेयर चाहिए, वैसे तो ये आपके एप्लीकेशन स्टोर पे या ट्रायल वर्जन होगा, उसके साथ आपको वाटरमार्क भी मिलेगा। सो अगर आपको चाहिए इसका क्रैक वर्जन, जो कि फुल वर्जन है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया था, उसके लिए यू नीड टू DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल यहीं कहीं आ रहा होगा, वहाँ पे आपको DM करना होगा, देन आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस ऐप का फुल वर्जन आप एंजॉय कर सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने कुछ थोड़ा सा सीखा होगा वीडियो कैसे एडिट करते हैं। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख रखा है तो लाइक बटन प्रेस करो, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि मेरी जो भी 2 मिनट्स जो टेक्निकल वीडियोज होने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो दैट्स इट, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।